शमशाबाद संघर्ष समिति ने पुराने बस स्टैंड पर दिया धरना। बाईपास की मांग को लेकर दिया धरना। मांगे पूरी नहीं होने पर 13 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी। बाईपास के कारण रुका नगर का विकास। बाईपास न होने के कारण मंडी में आवक हुई कम। एक सड़क होने से आए दिन लगता है जाम। शमशाबाद संघर्ष समिति ने पुराने बस स्टैंड पर नगर के बाहर से बाईपास सड़क निर्माण की मांग को लेकर धरना दिया। वही समिति ने प्रशासन और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी। गौरतलब है कि संजय सागर बांध के पानी से शमशाबाद तीन तरफ से घिर चुका है और आवागमन के लिए मात्र एक सड़क है, जिससे नगर की सड़कों पर आए दिन जाम लगता है। नगर का विकास रुका पड़ा है। वही नगर की मंडी में भी आवक कम हुई है। व्यापारियों का काम धंधा चौपट होने की कगार पर है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार का ध्यान इस ओर नहीं जाता है। समिति अध्यक्ष नारायण सिंह ने कहा कि सरकारें बनी और बिगड़ी, लेकिन किसी ने नगर के विकास पर ध्यान नहीं दिया। चुनाव के समय नेताओं ने भोली भाली जनता को बाईपास के सपने खूब दिखाए, लेकिन सारे दावे वादे चुनावी साबित हुए। संघर्ष समिति कई बार प्रशासन को ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जल्द बाईपास की मांग को समिति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक ले जाएगी। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो शमशाबाद से लेकर भोपाल तक पद यात्रा की जाएगी। मैं इस बात को कहना चाहूंगा, शमशाबाद का हर नागरिक, शमशाबाद का हर व्यापारी, शमशाबाद का हर किसान, शमशाबाद का हर युवा की एक ही आवाज है कि शमशाबाद के लिए जान है, शमशाबाद को बचाना है तो बाईपास का निर्माण बहुत जरूरी है। अगर बाईपास नहीं है तो शमशाबाद शमशाबाद नहीं रह पाएगा। इसलिए नौजवानों, व्यापार साथियों, किसान भाइयों, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गुलामी की दास्ता को तोड़ो। आज का यह सांकेतिक धरना शमशाबाद के बाईपास निर्माण के लिए स्थानीय पुराना बस स्टैंड में दिया जा रहा है। शमशाबाद के नागरिक बंधुओं, व्यापारी भाइयों, किसान भाइयों, मजदूर साथियों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, क्या है, जैसे ही अपन नगर में प्रवेश करते हैं शमशाबाद में, तो सबसे पहले सकरा रोड मिलता है, जिसके कारण डबल क्रॉसिंग नहीं हो पाती। डबल क्रॉसिंग नहीं होने से यहाँ नगर में बाहर के लोग आ ही नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर आवागमन नहीं हो पा रहा। गांव के लोग पास के नगरों में जा रहे हैं और यहाँ का व्यवसाय धंधा पूरा के पूरा चौपट हो रहा है। इस कारण हमें बाईपास की अति आवश्यकता है और बाईपास नगर में होना। शमशाबाद शहर में बाईपास निर्माण की मांग काफ़ी पुरानी है। एकमात्र रोड होने के कारण जहां आवागमन में हमेशा परेशानी होती है, कई बार यहां पर जाम लगा होने के कारण मरीजों की मृत्यु हो गई है। बाईपास निर्माण ना होने के कारण शमशाबाद का विकास रुका हुआ है। शमशाबाद संघर्ष समिति के तत्वाधान में हमने पहले धरना दिया था, एक ज्ञापन दिया था, आज हम यहाँ धरना दे रहे हैं और आने वाली 13 अक्टूबर से यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर यहाँ बैठेंगे। फिर भी सरकार ने नहीं सुनी तो जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक बाईपास का निर्माण नहीं होगा। हमने अभी तय किया है कि हम यहाँ से पैदल मार्च करके मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को इस विषय को अवगत कराएंगे और उनसे आग्रह करेंगे इस मांग को शीघ्र पूरा करें।